ओके okay. ओके जस्ट अ सेकंड गाइस. I'm doing that. Just a second, please. Okay, so all right, now I remove that ID, so let's start. Okay. हेलो प्रदीप बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस फ्रेश टॉपिक. ओके तुमने तो जाके बजना है. ये तू ये बना रहा तू तैं जो दस है ये डॉलर जा चुप. सर ये गाली देश में सर ये जो फिर अभी बंद क्या है. नो नो आई एम नॉट दैट डोंट बी टैन लोडो सर फिर गाली दे रहे हैं सर गाली दे रहे हैं निकाल दे ड्रॉइड दे रहे सर निकाल दो इनको. जस्ट अ सेकंड. रोहित ठाकुर और रोहित शर्मा ये तीनों बच्चों के लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि इनके पास पूरा आईपी था. हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा कि आप जो भी डिवाइस से कनेक्ट रहते हो ना आपका उसका पूरा पूरा आईपी एड्रेस हमारे पास रहता है. एंड दिस दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लासेस. ठीक है या एंड इट इज रोहित शर्मा और रोहित ठाकुर. हु वाज दैट गाय हेलो एम आई ऑडिबल. ओके थैंक यू सो मच. एंड अनदर वाज हिमांशु.
ओके हिमांशु रतोटिया, इन तीनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये खुद अपने करियर पे अपना जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट फॉर कंप्लेनिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लेंट ही लिख रहा हूँ अभी इनके खिलाफ। ओके सो डोंट बी, और ऐसा हो चुका है हमारी एक और 12th की क्लास है उसमें भी बच्चे कुछ ऐसे ही कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट हुआ और उन तीनों को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया था। एंड दूसरे स्कूल्स में उनको एडमिशन मिल भी नहीं रहा एक्चुअली, और उनका 12th था, तो आप समझ सकते हो। जस्ट ए सेकंड गाइस, मैं थोड़े से अनवांटेड जो बच्चे हैं इनको हटा के फिर अपना स्टार्ट करते हैं। ओके बिल्कुल, जस्ट ए सेकंड, इन तीनों के बच्चे मेरे पास पूरे नोट है, नोटेड है। एंड यहाँ से जस्ट मैं अपने जो टेक टीम है हमारी, जस्ट उनको मुझे मैं लाइक लिखना है कि हाँ ये एंड हाँ जी बेटा, ये इन्हीं ये पड़े। सो ओके, सो या एम आई ऑडिबल राइट नाउ? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये इन लोगों के लिए सीख रहेगी ताकि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले सोचे। आप क्या सोचना क्या मैंने कंप्लेंट कर चुका हूँ, आप कुछ वो भी नहीं सकता इनका। या तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट हाँ जी बेटा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, ताकि कुछ बच्चे जो जो भी थे जब तक मैं अपना काम करूँ तब की वो बोल ना पाए। ठीक है, सो अभी मैं कर देता हूँ, आपके आप यूज कर सकते हो अपना। हेलो सर, बात सुनो हाँ जी बेटा। सर, आपने मेरे को क्यों निकाला ग्रुप से? मैं गाली दे ही नहीं रहा था नहीं बेटा, आपको ग्रुप से नहीं निकाला मैंने। सर। प्रदीप को ग्रुप से निकाल दिया है हाँ जी बेटा, प्रदीप ने दिया था इसलिए निकाला है उसको। सर। मैंने नहीं, मैं कुछ, मैं चुप बैठा था, मैं ऐसे ही गाली दी ही नहीं, ऐसे ही मेरे को क्यों निकाला क्लास से? बेटा जी मुझे बच्चों ने बोला, क्योंकि मुझे पहाड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है सर मैंने नहीं दी, मैं चुप बैठा हुआ था, ये मेरा माइक ऑन था बस, ये जैसे बकवास कर रहे सर। मैं बात नहीं कुछ बेटा, वो रिकॉर्डेड क्लास था, अगर वो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप वापस से ज्वाइन हो जाओगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अभी आप इसी आईडी से पढ़ लो। हाँ बेटा अभी आप इसी आईडी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर कुछ वैसे ऐसे ऐसी झूठा इल्जाम लगा रहे, तो मेरे को सर गुस्सा आ रहा है, मैं पापा से बात बात करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको पढ़ना है ना तो आप इसी आईडी से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ये कुछ भी मेरा इश्यू होगा तो हमारी टेक टीम उसको एस्केलेट कर लेगी, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये पूरा सर, रिकॉर्डेड। ये मेरा नाम लेने वाला कौन था? आई डोंट नो बेटा, हेलो सर सर, मैं तो ये क्या बोलूं, नहीं मैं था चुप बैठा हुआ हिमांशु था, के ऐसे ही नाम गाली से दे रहे थे। बेटा। अभी अब मैं कुछ कर नहीं सकता, देयर इज हेलो अनदर गाय। सर फिर से ओके कोई कर या आई नो दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये पूरा रिकॉर्डेड है, उनका आईपी है? एड्रेस चेक अरे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एक बार करे तो फिर उनके बाद वो हमारी टेक टीम देख लेगी उसको, नो प्रॉब्लम। हेलो सर, हाँ जी बेटा, सर मैं हिमांशु रसोदिया के नाम से आपने डिसमिस कर दिया ना, तो फिर मैं दूसरी आईडी से आया हूँ, पर मैं नहीं था उनमें। हाँ जी बेटा, अगर आप नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको फिर वापस से हो जाएगा, कोई ओके दिक्कत नहीं सर, है। मुझे डर हाँ लग जी, रहा था। बट अगर आपने कुछ किया होगा तो ही आपको डर लगना चाहिए, वरना नहीं। मेरा नाम भी हिमांशु है ना सर?
बेटा हिमांशु से मतलब नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके सो आई विल टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन्स, इट्स बेटर राइट नाउ। ओके और बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी यहाँ पर एनरोल्ड है अगर वो ही ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर है, वरना जो भी आप पूरा जो दूसरे बच्चों को लिंक सेंड करते हो ठीक है, तो वो लिंक जो है पूरा रिकॉर्डेड रहता है, उसका पूरा जो भी डेटा रहता है, कौन सा बच्चा यहाँ पर यूज उसने सेंड किया, किसको सेंड किया, उसका पूरा डेटा ट्रैक होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग के लिए अपना टेस्ट दे रहे हो। आप गूगल पे अपना सर्च कर सकते हो कि गूगल मीट पे आपका कौन कौन सा डेटा यूज किया जाता है ठीक है। तो ये शेयर करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि अगर आपने शेयर किया है तो उसके साथ आपका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, उसके साथ आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट जाएगी कि आपका आपका जो बच्चा है वो इन गतिविधियों में पाया गया है, इसलिए इसको रस्टिगेट किया है, एंड उसके स्कूल में भी कंप्लेंट की जाएगी। अगर एक बार आपके स्कूल में कंप्लेंट हो गई, और अगर आपकी कहीं पर भी कंप्लेंट हो गई एक बार, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने रिटर्न कंप्लीट कर दिया ठीक है, उसके बाद आपका राउंड होता है वेरिफिकेशन ठीक है। वेरिफिकेशन में आपकी जो नजदीकी जो पुलिस रहेगा पूरा, वो देखा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट एक भी उनको FIR मिल गई, फिर खत्म आपका पूरा करियर ठीक है, पूरा करियर खत्म, आप फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो अपने चैट से बोल सकता है, आई एम यूजिंग चैट राइट नाउ। सो ओके अच्छा जी, आपने इनइक्वलिटी नाम सुना है भाई, सुना है ना भाई, मैं आपकी चैट कॉन्स्टेंटली देख रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप वहां पर लिख सकते हो ठीक है। या ओके तो सबसे पहले मुझे बताइए कि भाई इनइक्वलिटी मतलब होता क्या है। जैसे कि इनइक्वलिटी मतलब अगर मैं बोलूं कि वो इक्वल नहीं है दोनों राइट। So, सबसे पहले तो मैं अगर बताऊं आपको कि अच्छा ये बताना जरा कि 4 is greater than 2, ये सही लिखा हुआ है या फिर गलत। ये सही लिखा हुआ है राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 is ये लिखा हुआ है मेरे पास, इसको मैं पढ़ूंगा, अच्छा इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 4 is greater than 2, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना उसको, वो जो क्वांटिटी होती है वो नंबर होता है वो बड़ा होता है राइट। ओके जैसे कि यहाँ पर 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है। ओके ओके जस्ट अ सेकंड, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके सो सॉरी यार, थोड़ा सा ये चीजें कहीं ना कहीं हर्ट करती है ठीक है। अभी स्क्रीन शो दिख रहा है ना आपको, ओके या हाँ जी, तो आपके पास देखो ये लिखा हुआ है 4 is greater than 2 ठीक है या, तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, 4 is greater than 2 ठीक है, मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ना वो बड़ा है ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि 2 से बड़ा हुआ है, बड़ा है राइट। सो ये जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ओके। बट ये जो लिखा हुआ है 4 is less than 3, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है राइट, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 3 की तरफ खुला हुआ है, तो इसका बोलने का मतलब है कि भाई 3 जो है 4 से बड़ा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा। अच्छा ये सही है या फिर गलत है, 4 equal to 3 ये गलत स्टेटमेंट है ना हमारा, और वैसे ये इक्वल वाला है राइट, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बता रहा हूं ओके।
ओके सो फोर इज ग्रेटर देन टू, ये हमारा सही है. फोर इज लेस देन थ्री, ये हमारा गलत हो गया. एंड फोर इक्वल टू थ्री, हमारा ये भी गलत है. अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि अब बताना जरा कि फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्या ये सही लिखा हुआ है? फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्या ये सही है? ट्रू है ना? बिल्कुल, ये ट्रू है हमारा, राइट. अच्छा अच्छा, यहां पर एक चीज और बताना मुझे कि टू ग्रेट, ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा हुआ है? जल्दी से अपना चैट बॉक्स यूज करिए प्लीज. बिल्कुल, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? टू ग्रेटर देन टू मतलब दो, दो से बड़ा है, राइट. तो ये बिल्कुल एकदम सफेद झूठ है, राइट. ये बिल्कुल गलत है. और अगर ऐसे कुछ यहां पर लिखा हुआ है टू लेस देन टू, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है. ओके ओके जी. अच्छा, क्या ये सही लिखा हुआ है? थ्री इज लेस देन और इक्वल टू फोर. थ्री इज लेस देन और इक्वल टू फोर, थ्री इज लेस देन और इक्वल टू फोर. बेटा ये सही आंसर है, क्योंकि देखो ये मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? फोर की तरफ, राइट. तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि फोर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई तीन जो है वो चार से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है. तो यहां पर दो स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, या तो लेस देन और इक्वल. तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये लेस देन जरूर है. जो थ्री जो है हमारा वो फोर से छोटा है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ. तो इसका मतलब क्या था? फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, कि फोर या तो टू से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है. इसका क्या मतलब है? फोर इज ग्रेटर देन टू या फिर फोर इज इक्वल टू टू. तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन ये हमारा सही है. तो अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है. इसी तरह से अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट प्रूव हो गया, लाइक हमने देख लिया कि हाँ ये वाला करेक्ट है, तो जो है हमारा एक्सप्रेशन, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये सही है या गलत है. हाँ जी बेटा, बताइए फटाफट से. ये ट्रू है हमारा, बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि या तो टू ग्रेटर देन टू है और टू इक्वल टू टू है, या तो ये या फिर ये. ओके, तो ये तो हमारा गलत था, क्योंकि हमने यहां पर भी देख लिया, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है भाई, राइट. तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है. क्या है? ट्रू है. ओके जी. अच्छा, अब बताइएगा टू लेस देन और इक्वल टू टू, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल, ये ट्रू है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? टू लेस देन टू और टू इक्वल टू टू. तो भाई टू टू से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन टू जो है टू के इक्वल है. तो इन दोनों में से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना, ये नीचे वाला. तो ये जो है पूरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी. यहां तक सभी को क्लियर है? ओके. तो ओके, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर हमने कितने तरह की इनइक्वलिटी पढ़ी. एक तो फर्स्ट ये पढ़ा, सेकंड ये पढ़ा, ये इक्वल वाला साइन आ जाता है, तो ये हमने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी, यहां पर इक्वलिटी वाला पढ़ा है. जहां पर भी इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन दिख रहा है ना आपको, अगर सिर्फ, और कोई ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं दिख रहा है, तो वो इनइक्वलिटी नहीं होती है, वो होती है इक्वलिटी, ठीक है. ये हमने पढ़ा है, एंड ये भी हमने पढ़ा है. तो ये तो ऑलमोस्ट सेम तरीके का हो गए भाई, ये ग्रेटर देन हो गया, ये भी ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, एंड ये भी लेस देन है. तो ये तो ऑलमोस्ट सेम तरीके हो गए. बट हमने जो यहां पर पढ़ा, फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ठीक है,
ये हमारी अलग टाइप की इनइक्विटी हो जाएगी और ये एक और भी अलग टाइप की इनइक्विटी हो जाएगी। ठीक है भाई, हमने बेसिकली यहाँ पर चार तरह की इनइक्विटी पढ़ी है, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज लेस देन 3, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पर चार तरह की पढ़ी है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है भाई, टाइप्स ऑफ इनइक्विटी आपकी कितनी होती है। ठीक है, तो जनरली तो जो होता है ना आपका दो तरह का होता है, कितने तरीके का होता है, दो तरह का। स्ट्रिक्ट इनइक्विटी, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट मतलब कि भाई या तो ग्रेटर देन हो, जैसे कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन 2, तो भाई इसने सीधा सीधा बोल दिया 4 इज ग्रेटर देन 2, इक्वल इक्वल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ चार जो है दो से बड़ा है, हमने सीधा स्ट्रिक्ट बताया उसको। ठीक है, दूसरा क्या, लेस देन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अच्छा जैसे कि हमने लिखा था 3 इज लेस देन 4, मतलब 3 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट बने रहे हम कि भाई 4 जो है वो 3 से बड़ा ही है, बराबर बराबर का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा स्ट्रिक्ट वाला। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ इनइक्विटी में मेनली दो तरह की होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्विटी, दूसरा होता है स्लैक इनइक्विटी। स्ट्रिक्ट हमने देखा कि भाई एक तो ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है। ठीक है, ये दो तरह की होती है मेनली। एंड उसके अलावा जो स्लैक इनइक्विटी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हमने देखा था 4 नहीं, जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कि भाई दो या तो दो से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो भाई इसको यहाँ पर अभी ये कंफ्यूज है कि भाई इन, ये दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर इन दोनों में से भी कोई करेक्ट हो जाता है ना तो मेरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है जी, या तो ये कैसे देखा था हमने भाई कि लेट सपोज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कि भाई 3 या तो 3 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो भाई दोनों में से कहीं एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा जो है पूरा टोटल स्टेटमेंट वो सही हो जाता है। ठीक है, या तो ये तो हो गया भाई हमारा टाइप्स ऑफ इनइक्विटी। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज है, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अच्छा जी, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होते हैं तीन तरीके के। ठीक है, हम चौथा भी पढ़ेंगे लेकिन ओके, बट यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ेंगे तीन तरीके के क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये जो ए और बी है ना, ए एंड बी, ये है हमारे एक्सट्रीम पॉइंट, जो एकदम किनारे पे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, या फिर इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट एक्स इज लेस देन बी। ठीक है, मतलब इसका सीधा सीधा है कि भाई एक्स जो है वो ए और बी के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, इसमें जो है हमें ए और बी इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन कहीं पर भी नहीं है। सीधा सीधा हम बोल देते हैं ना कि भाई 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें इक्वल का कोई साइन नहीं है, 3 जो है वो 2 से एकदम बड़ा ही है, उसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि x जो है वो a से बड़ा है उसके बराबर नहीं है, और b से छोटा है उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारे a और b ये इंक्लूडेड नहीं होंगे हमारे आंसर में। ठीक है, और इसको अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊं, नंबर लाइन मतलब जो रियल नंबर लाइन होती है आपकी, जिसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स रहते हैं, सारे नंबर्स मतलब -9 +10 100 -1000 -0.2 +0.3 1/3 -1/3
ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो होती है हमारी रियल नंबर्स लाइन, रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो उस पर कहीं ए होगा और बी होगा। अब बात ये आती है कि भाई ए छोटा है या फिर बी छोटा है, तो इसने साफ साफ लिख दिया है कि भाई एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो थ्री है ना, ये टू से तो बड़ा है लेकिन चार से छोटा है। तो यहाँ पर एक बात बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जो टू जो होगा, जो इधर एकदम लेफ्ट मोस्ट पे होगा, वो राइट मोस्ट से तो छोटा ही होगा क्योंकि वो बीच वाले से छोटा है। तो भाई बीच वाले से छोटा है तो राइट वाले से तो और छोटा होगा, है ना। तो भाई यहाँ पर ए जो है वो एक्स से छोटा है तो बी से तो छोटा होगा ही, ठीक है। तो ए जो है हमारा लेफ्ट साइड पर आएगा और बी जो है हमारा राइट साइड पर आएगा, ठीक है, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना छोटा नंबर होगा और जितना राइट साइड होगा उतना बड़ा नंबर होगा। ओके, तो ये बात होगी। अब इसको हम नंबर लाइन पर बताएंगे कैसे। ओके, नंबर लाइन पर हम बताएंगे इसको, इसको दो तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि आप सीधा सीधा ए और बी पर जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो आप, ठीक है। एक लाइन लो जो कि ए और बी के बीच में हो, ठीक है। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का हो जाता है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ए और बी यहां पर हमने ऐसे शेडेड मार्क कर दिया इसको, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट? अभी मैं माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अब वैसे। हाँ जी सर, तो देखिए, ओके वेरी गुड। सो ए एंड बी, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? ए और बी के हम बीच में हमने शेडेड कर दिया पूरा हिस्सा, नंबर लाइन का जो पार्ट था उसको ऐसे शेडेड कर दिया। तो ये हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब हमें ये भी बताना है कि भाई हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है हमारे आंसर में, तो उसको हम कैसे बताएंगे? ए और बी पर फिल ये जो है ओपन सर्कल मार्क करके। ओपन सर्कल का मतलब यही होता है कि भाई आपने जहां पर ये मार्क किया है ना, उस पॉइंट को आपने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है, तो ए और बी जो है हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे भाई, ए पर हमने ओपन सर्कल कर दिया और बी पर भी हमने ओपन सर्कल कर दिया, ठीक है जी। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके वेरी गुड। हाँ जी, तो अब देखिए कि क्लोज्ड सर्कल वाला, क्लोज्ड इंटरवल वाला कैसे देखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब x जो है वो ऐसे बड़ा है या उसके बराबर हो सकता है, और एंड x जो है वो b से छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि a के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें इसको लाइक a और b को यहाँ पर इक्वल का साइन लग रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा कि ए और बी को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे कैसे नंबर लाइन पर, ए और बी सबसे पहले मार्क करेंगे, ठीक है, एंड फिर वापस से जो है इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से बी तक, ठीक है। एंड इस बार मैं क्या करूंगा भाई, मुझे ए और बी अपने इंक्लूडेड चाहिए अपने आंसर में। तो पहले हमने क्या किया था कि ओपन सर्कल किया था यहाँ पर ए एंड बी पर, इस बार मैं क्या करूंगा फिल्ड सर्कल यहां पर कर दूंगा, ठीक है। ए एंड बी पर मैं यहां पर फिल्ड सर्कल बना दूंगा। फिल्ड सर्कल मतलब या फिर डॉट बता सकते हो, या फिर आप क्लोज्ड सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये डॉट बनाया है यहां पर, इसका मतलब है कि मैं ए और बी को अपने आंसर में इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। मेरे आंसर में ए एंड बी पॉइंट शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया है शेडेड तरीके से, कि भाई ए और बी के बीच के हिस्से को मैं शेडेड कर दूंगा, ठीक है। एंड वापस मुझे बताना है कि भाई ए और बी मेरा इंक्लूडेड है आंसर में, तो ए और बी जो है मैं अपने आंसर में ऐसे इंक्लूड कर दूंगा। ओके यस सर। हाँ जी,
ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? तो इसको हम बोलते क्या है, ओपन इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब भाई ए और बी के बीच का, और ए और बी पॉइंट भी हमारे आंसर में होंगे। ओपन का मतलब भाई जो लास्ट वाले हैं वो ऐसे के मतलब लाइक ए और बी हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, मतलब आधा खुला आधा बंद कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई x जो है वो a से बड़ा है। अब हमने यहाँ पर नहीं बोला कि a के इक्वल है, हमने सीधा बोला है कि x जो है a से बड़ा है बट b से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है। मतलब हमारे जो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमें a को शामिल नहीं करना है लेकिन b को शामिल करना है, ओके। तो वापस से मैं a एंड b अपने नंबर लाइन पर मार्क करूंगा, ठीक है, एंड ए और बी के बीच के हिस्से को या फिर लाइन खींच देंगे क्योंकि हमने वही पैटर्न फॉलो किया है। क्या ओके, सो ए एंड बी, ओके। यहां पर अब मुझे क्या करना है कि भाई ए को मुझे शामिल नहीं करना है, राइट। तो अगर ए को शामिल नहीं करना है तो यहां पर कौन सा सर्कल आएगा भाई, ओपन ओपन, बिल्कुल यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा। और बी को मुझे अपने आंसर में इंक्लूड करना है तो यहाँ पर क्लोज्ड आ जाएगा या फिर फील्ड सर्कल आ जाएगा या फिर आप इसको डॉट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इसको एक और दूसरे तरीके से भी देखते हैं भाई, ए और बी यहाँ पर हमने मार्क कर दिए और बीच का हिस्सा हमने यहाँ पर शेडेड कर दिया, ठीक है, शेडेड कर दिया। एंड वापस से मुझे बताना है कि भाई ए को हमने जो है अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं ओपन सर्कल कर दूंगा और यहां पर फील्ड सर्कल बना दूंगा मैं, ठीक है जी। यस सर, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। अब देखिए दूसरी चीज क्या आई हमारे पास, ओपन ब्रैकेट्स। तो अगर आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, आपको मैथमेटिकली दर्शाना है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगा, x belongs to open a to open b, ओके? तो belong, ये इसका मतलब सभी को पता है ना भाई, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं belongs to, belongs to, राइट? belongs to मतलब ये जो x होगा हमारा वो ए और बी के बीच में लाई करता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं, आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना अच्छे से, ये ऐसा ब्रैकेट है, ओके। तो ऐसे ब्रैकेट को मैं क्या बोलता हूँ, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में जो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं इसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूं अपने आंसर में, ठीक है। अब आती है बारी क्लोज्ड ब्रैकेट्स की। क्लोज्ड ब्रैकेट को मैं और क्या बोलता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्वायर जैसा दिखता है, राइट, ओके। एंड क्लोज्ड इसलिए बोलते हैं कि भाई जो हमारा इसमें एक्सट्रीम पॉइंट है वो भी अपने आंसर में इंक्लूडेड है, ओके। सभी को क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, ओके या अब इसमें देखते हैं, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या है भाई कि x जो है वो a और b के बीच में लाई तो करेगा लेकिन उस x जो है वो ऐसे बड़ा ही होना चाहिए बट b के बराबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो ये ओपन ब्रैकेट है ना, तो इसमें हम जो इधर वाला पॉइंट होगा हमारा कोमा से पहले इधर वाला जो पॉइंट होगा उसको अपने आंसर में इंक्लूडेड नहीं मानेंगे, ओके। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले वाला नंबर होगा उसको हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, ओके। यहां तक सभी को क्लियर, कोई दिक्कत? ओके ठीक है जी, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे पास, ओके। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को हम कैसे दिखाते हैं भाई, x बिलोंग्स टू a b ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब इसका मतलब पता है किसी को कि इसका मतलब क्या है? सर बिलोंग, नहीं 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 वो तो है, बिलोंग्स टू का मतलब तो है। इसका मतलब क्या था कि x जो है वो a से b के बीच में सारे नंबर्स है, जैसे कि लेट सपोज a लेके b तक होगा,
हाँ तो ये 2 से 4, ठीक है। यहाँ पर नहीं कर बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसको करते हैं अपन नीचे। ओके तो लेट सपोज मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो 2 और 4 के बीच में है, तो ये 2 और 4, तो इसके बीच में सारे नंबर्स मेरे आंसर्स होंगे, जैसे कि बीच में 2.01 भी आएगा, ठीक है, 2.99999 ऐसा कुछ भी आएगा, 2.8990, ये सारे नंबर्स मतलब 2 और 4 के बीच के जितने भी नंबर्स है वो सारे आएंगे। अच्छा मुझे बता सकते हो कि 2 और 4 के बीच में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि 2.01, फिर उसके बाद 2.02, उसके बाद 2.03, ये तो भाई 01 वाली सीरीज हो गई। इसके बाद में बोल सकते हो ना 2.001, 2.0001, ऐसे भाई बहुत सारे नंबर है, तो हमारे पास टोटली इनफाइनाइट नंबर आएंगे, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a कोमा b, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने आंसर्स हैं, x के कितने सोल्यूशन होंगे? सिर्फ 2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है सिर्फ वही 2 हमारे आंसर होंगे। लेट सपोज कि अगर मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2, 3, तो बस मेरे 2 ही आंसर हैं, 2 एंड 3, दैट्स इट, खत्म। इसमें ऐसा नहीं कि 2 और 3 के बीच के सारे नंबर, नहीं, सिर्फ 2 और 3, बस बात खत्म। ओके यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि क्या x belongs to a comma b comma c, इसका मतलब क्या है? या फिर और अच्छे से पूछूं मैं तो 2, 3, 5, इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है? x equal to 2, 3, 5, x belong करते 2, 3 और 5 से, नहीं तो इसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे, मुझे नंबर्स बताओ। 2 से लेके 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे और उनके बीच में जो नंबर आएंगे वो। लेकिन यहाँ पर तो 3 भी लिखा हुआ है बेटा। सर 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 बेटा इसका कोई मतलब को नहीं करता, ये उन्हीं बच्चों जैसे नो सेंस वाले हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। सिर्फ ओपन ब्रैकेट में 2 ही नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको देखते कैसे हैं कि भाई x जो है वो x belongs to 2 to 4 है, यहाँ पर 2 और 4 के बीच के सारे नंबर, बस यहाँ पर 2 ही नंबर आएंगे, ठीक है। या क्योंकि x जो है वो 2 और 4 के बीच का कोई नंबर है, लेकिन अब इसमें मैं 3 और लिख दूंगा तो उस 3 का मतलब क्या है उसको, जैसे कि अब आप बोल रहे हो कि भाई 2 और 5 के बीच के सारे नंबर, तो 3 भी बीच में आएगा, तो फिर मैंने 3 यहाँ पर लिखा क्यों है, ठीक है भाई। मैथ्स में हम बिना कोई मतलब के कोई चीज लिखते नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, उस जो भी कुछ लिखा हुआ है उस हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब है, कोई ना कोई सेंस है, लेकिन इस चीज का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन बताना जरा, x belongs to 1, 3, 10, इसका मतलब क्या है? नो सेंस। नो सेंस, बहुत बढ़िया, नो सेंस। तो जब भी अगर आपको ओपन ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ ऐसा दिखे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. लेकिन अच्छा मुझे बताना जरा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, x के 3 आंसर है यहाँ से, 1, 3, 5, बिल्कुल। ये हम कर्ली ब्रैकेट कब यूज करते हैं किसी को पता है? सर सेट्स में, सेट्स में, बहुत बढ़िया, या फिर मोटा मोटा मैं बोलूं कि भाई जब भी हमारे पास फाइनाइट नंबर्स या फिर फाइनाइट चीजें होती है बताने के लिए तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, फाइनाइट मतलब हम लिख सके, ठीक है। जैसे कि अब ये 2 और 3 के बीच के हम नंबर्स लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट यूज किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 और 3 लिख रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ 2 नंबर है, तो मैं उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा,
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके सॉरी, अच्छा एक सेकंड, ओके अच्छा, अब एक जरूरी चीज रह गई है बताना, एक चीज बताना मुझे कि लेट सपोज कि मेरे पास कुछ लिखा हुआ है फोर इज ग्रेटर देन टू, ठीक है ध्यान से सुनना भाई, ठीक है फोर इज ग्रेटर देन टू, अब मैंने दोनों तरफ माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा माइनस फोर और माइनस टू, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी अभी भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा या फिर चेंज होगा? चेंज होगा, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई फोर जो है वो टू से बड़ा है, अब आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस टू बड़ा हो जाएगा ना भाई माइनस फोर से, माइनस टू बड़ा नंबर है माइनस फोर से, है ना, तो माइनस टू की तरफ मूव होना चाहिए, तो हमने उसकी तरफ मूव कर दिया, ठीक है लेकिन ये किया क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हम जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा एक और चीज बताना, फोर इज ग्रेटर देन माइनस टू होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, तो अब मुझे बताओ कि अब कौन सा बड़ा नंबर है? सर टू। सर टू। टू, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस का टू, राइट yes, तो यहाँ पर भी देखो हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ओके अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं देखूं कि माइनस फोर, सॉरी लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ माइनस टू एंड माइनस फोर, ठीक है जी, तो माइनस टू बड़ा नंबर है इसमें, है ना, तो yes. मुझे बताओ कि अगर अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या होगा? फोर बड़ा होगा, तो अब फोर बड़ा, बहुत बढ़िया फोर बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, राइट? यस सर। तो भाई ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लिख लेते हैं, है ना जी? Yes, से पेन से लिखूं मैं, रेड सही रहेगा, ओके रेड से, इफ वी मल्टीप्लाई ए नेगेटिव नंबर इन एन इक्वलिटी, इनइक्वलिटी सॉरी, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, सभी को समझ में आ रहा है भाई? सर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। राइटिंग सुधारनी पड़ेगी मुझे आई थिंक। ओके सो सभी को लिखा हुआ जो भी है वो समझ में आ रहा है ना, इफ यू मल्टीप्लाई ए नेगेटिव नंबर इन एन इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है भाई, अब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों का साइन क्या है, क्योंकि ये सारे साइंस में जो है चेंज हो जा रहा है ना? यस सर। ओके तो अब मुझे एक और चीज बताना जरा कि लेट सपोज मेरे पास फोर इज ग्रेटर देन टू, अगेन ये है, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में क्या होगा अगर मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो चेंज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि वन बाय टू बड़ा है, वन बाय टू कितना होता है 0.5 और 1/5 1 by 4 कितना होता है 0.25, है ना, तो 0.25 छोटा होता है 0.5 से, ओके तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अच्छा मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस फोर, अभी अगर मैं चेंज करूं तो मतलब अभी अब मैं रेसिप्रोकेट करूं तो सर माइनस का साइन हट जाएगा? नहीं 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 बेटा, माइनस टू रहेगा, जैसे कि अभी मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो माइनस वन बाय टू होगा एंड माइनस वन बाय फोर होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा यहाँ पर? सर
सर चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस वन बाई फोर कितना होता है, माइनस पॉइंट टू फाइव है ना, और ये माइनस हाफ कितना होता है, माइनस पॉइंट फाइव। तो अगर आप नंबर लाइन पर बताओगे तो जीरो यहाँ पर कहीं आएगा, माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव यहाँ कहीं आएगा, और माइनस जीरो पॉइंट फाइव कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। तो माइनस पॉइंट टू फाइव जो है वो जीरो के ज्यादा नजदीक है, तो वो बड़ा नंबर होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ज्यादा नजदीक है, ठीक है। यस सर, आप जितना लेफ्ट साइड में जाते जाओगे वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। जैसे कि इसमें अगर आप माइनस टेन तक पहुंच गए तो माइनस टेन और छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है। अब एक और देखते हैं कि अगर फोर इज ग्रेटर देन माइनस टू, अब अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा बताओ। बिल्कुल, ये एज इट इज रहा, एज इट इज रहेगा हमारा, राइट है ना। तो यहां से भी अब हमें कुछ बातें मिली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिए कि भाई अगर सेम साइन होता है दोनों तरफ, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ सेम साइन होता है, जैसे कि ये भी यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, अगर दोनों साइड सेम साइन रहता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, राइट। तो यहां पर वही चीज लिख देंगे हम कि इफ इसको हम कैसे लिखेंगे भाई कि ऐसे कुछ नहीं, आई थिंक इसको मैंने कुछ शॉर्ट तरीके में से लिखवा रखा था, आई थिंक, जो कि आपको बहुत पूरी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, या ओके मैं लिख देता हूं यहां पर, चेंज फॉर सेम साइन, चेंज फॉर सेम साइन। इसका मतलब क्या है कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ सेम साइन रहता है, ठीक है, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ सेम साइन रहता है तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है अगर आप रेसिप्रोकेट करते हो तो, ठीक है। अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ साइन सेम रहता है तो आपको चेंज करना है, ठीक है जी बेटा। और कब नहीं करना है, डू नॉट चेंज इफ द साइन इज डिफरेंट। जैसे कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल था ना, उसमें दोनों तरफ साइन ऑफ लाइक दोनों तरफ साइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थे, राइट। तो हमने यहां पर चेंज नहीं किया है, ठीक है जी बेटा। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं क्योंकि 10 बज चुका है, आपको भी नेक्स्ट क्लास जाना है एंड मुझे भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करना है। सो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है जी बेटा। यू कैन लेफ्ट राइट नाउ, ओके देन बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय बेटा, गुड नाइट, या गुड नाइट।